हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा. सो वेलकम बैक विद द सेशन, जिसमें आज हम लोग 7th ऑफ जून के द इंडियन सुपर का एनालिसिस करेंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट द एनालिसिस, जस्ट गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट गाइस, लेट मी हैव अ टेक चेक. ओके, आई थिंक सीम्स ऑल फाइन विद द ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी. So let's start with the analysis. Let's not waste more time. Already aapka 10 to 20 minutes, 10 to 15 minutes, thoda sa aaj thoda extend bhi hua hai. So let's start. Let's start with the analysis and let's see ki aaj ki newspaper mein hamare examination perspective se kaun kaun si body news hai. So when we talk about the today's newspaper, the first news jo ki hamare liye important ho ja rahi hai, that is about the Balasore district in the state of Odisha. वहां पर जो बहानंगा बाजार रेलवे स्टेशन है, ऑन 2nd of June 2023 को जो रेलवे एक्सीडेंट हुआ, जिसके चलते तीन ट्रेन कोलाइड हुई. सो कोलाइड तो दो ट्रेन हुई, लेकिन बिकॉज ऑफ दी दो ट्रेन कोलाइड के चलते एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से टकरा गई, है ना, तीसरे ट्रेन से टकरा गई, एंड जिसके चलते ये मिसहैप हुआ एंड समवट अराउंड 275 लोगों की डेथ हुई एंड 1000 से भी ज्यादा लोग क्या हो गए, इसमें इंजर्ड हो गए. अब अगर हम इस इंसिडेंट की बात करें, तो जब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ, मतलब इनिशियली पता लगा, इन्वेस्टिगेशन हुई, तब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में हमें यही समझ में आया कि बिकॉज ऑफ द सिग्नलिंग फेलियर, या हम बोल सकते हैं सिग्नलिंग इंटरफेरेंस, उसके चलते ये एक्सीडेंट हुआ, ये ट्रेजेडी हुई. और इन स्ट्रेटेजी ये ट्रेजेडी जो हो गई, और लोगों के ना जबान पे एक शब्द है, दैट इज के अगर कवच सिस्टम होता तो शायद ये एक्सीडेंट को इवेट किया जा सकता था, है ना. एंड उसके बाद रेलवे मिनिस्ट्री ने खुद ये चीज बोली है कि हम इस ट्रेजेडी वाले केस को हैंडओवर कर देंगे टू दी सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, और वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो पता लगाएगी कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, क्या ये ट्रेजेडी थी या फिर ये सही में कोई ना कोई साजिश थी, है ना. इसके लिए सीबीआई जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है. अब सीबीआई ने ऑब्वियसली बात ये लिखा हुआ है कि सीबीआई ने एविडेंस गैदर कर लिया है, और अभी भी इस एक्सीडेंट में अराउंड 83 डेड बॉडीज को अभी कोई क्लेम करने नहीं आया, एंड बिकॉज ऑफ दैट अथॉरिटीज ने डिसाइड किया है कि उन 83 डेड बॉडीज का डीएनए सैंपल लिया जाएगा एंड जो रिलेटिव्स हैं उनसे मैचअप किया जाएगा. सो जो अनक्लेम्ड बॉडीज है, वो अनक्लेम्ड बॉडीज फैमिली मेंबर्स को मिल जाए, है ना, इसलिए यहां पर यह बताया गया. ओके चलो, अब आगे भाई बताया गया कि कौन कौन से सेक्शन यहां पर स्टार्ट लगेगा, क्योंकि सीबीआई ने केस रजिस्टर्ड किया है. सो सीबीआई हैज री रजिस्टर्ड द केस अंडर दिस सेक्शन, सेक्शन 337, व्हिच टॉक्स अबाउट कॉजिंग हर्ट बाय एन एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स. तो ये सेक्शन 338 दैट टॉक अबाउट कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सन सेफ्टी. देन 304 कैपिटल ए, it talks about the causing death by negligence, and there is another section that is about section 34, act done by a several person in furtherance of common intention. to ye cheez bata rahe hai, aur even section 34 na वैसे भी बहुत ज्यादा अभी limelight mein hai, kyunki Brijbhushan Saran Singh ke upar section 34 bhi impose kiya gaya hai na. sexual harassment ka section to impose hua hai, wo case wo to FIR arrested hui hai section ke upar, lekin section 34 bhi lagaya gaya, aur is case mein CBI ne khud se case registered kiya, जिसमें उन्होंने तीन मेजर सेक्शन और एक सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन वाला लगाया. एक तो सेक्शन 337 है, जो कि बोलता है कि अगर आपने नेग्लिजेंट एक्ट से ग्रीवियस कोई हर्ट हुआ हो, वो 338 है, वो बताता है कि नेग्लिजेंट एक्ट से अगर कोई ग्रीवियस हर्ट हुआ हो, मतलब थोड़ा ग्रीवियस हर्ट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा उसको इंजरी हो गई हो, है ना, बहुत ज्यादा इंजरी हो गई हो. एंड देयर इज अनदर सेक्शन, दैट इज सेक्शन 304 कैपिटल ए, व्हिच टॉक्स अबाउट कि अगर बाय नेग्लिजेंट एक्ट किसी की डेथ हो जाती है, तो वो इसके अंदर ऑफेंस है ना, ये चीज बताई गई. और सेक्शन 34 इट्स अबाउट द कॉमन इंटेंशन, कि सबका इंटेंशन यही था, सब यही चाहते थे. चलिए, सो लेट्स मूव फर्दर. बाकी कवर सिस्टम पे आपको बिग न्यूज आई होप कल मिलना था, वो मिल नहीं पाया, है ना, आज मिल जाएगा, आज आपको मिल जाएगा. मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द स्टेट न्यूज, एंड इट्स अबाउट हाई कोर्ट सीक्स आंसर फ्रॉम सेंट्रल स्टेट ऑन फेलियर टू पे मनरेगा wages in West Bengal. So what happened? कि अगर हम वही बात करें ना, तो हुआ क्या कि सिंपल सा पॉइंट यही है कि वेस्ट बंगाल हुआ क्या कि वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट को ना हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मनरेगा के अंदर पैसा नहीं दिया. अब वो पैसा क्यों नहीं दिया, उसका रीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद बोला,
सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था कि हमने जो डायरेक्शंस दिए थे वो डायरेक्शंस को स्टेट गवर्नमेंट कंप्लाई नहीं कर रहा है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कंप्लाई करेगा जो हमने डायरेक्शंस दिए हैं, देन आगे हम हमें पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है, पैसा दे देंगे। वही चीज अब ये इशू पहुंच गया कहां पर, हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट कैलकाटा हाई कोर्ट का सिंपल सा ये कहना है, उन्होंने दोनों से रिप्लाई मांगा, उन्होंने सेंटर से भी रिप्लाई मांगा, उन्होंने स्टेट से भी रिप्लाई मांगा। सेंटर को सिंपल सी बात बोली कि आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, इवन दो इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट हो गई ना, तो उसके बाद पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। स्टेट से ये पूछा कि आप डायरेक्शन फॉलो क्यों नहीं कर रहे थे, डायरेक्शन आप फॉलो नहीं कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा डिस्पर्स नहीं कर रहा था, लेकिन आप खुद सोचो परेशान कौन हुआ है, मनरेगा लेबरर्स, मनरेगा वर्कर्स, और उनका लाइवलीहुड डिपेंडेंट है उस पे स्केल पर। और आपकी स्टेट और सेंटर की ईगो क्लैश के चक्कर में मनरेगा वर्कर्स को पैसा नहीं मिल पा रहा, मनरेगा वर्कर्स को वेजेस नहीं मिल पा रहे, उनका लाइवलीहुड नहीं चल पा रहा। तो वही चीज यहां पर लिखी गई है। तो वही लिखा गया कि बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट एट द सेंटर, ये लिखा है ना कि बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड तृणमूल गवर्नमेंट इन द स्टेट हैव बीन लॉजर हेड्स फॉर लॉन्ग ओवर विथहोल्डिंग मनरेगा ड्यूज। तो दोनों ना मनरेगा के ड्यूज होल्ड करके रखे हुए हैं दोनों लोग, बस इसी वजह से, बिकॉज दे हैव द ईगो क्लैशेस। ठीक है, आगे वही बोला गया कि जब पूछा गया ना कि हाई कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा है, हाई कोर्ट ने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को यह बोला कि आप ये बताओ कि आपने अभी तक सारे फंड रिलीज क्यों नहीं किए, है ना। और सॉरी सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहना था, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला था कि भाई हम सारे फंड रिलीज करने को तैयार है, लेकिन हमने सारे फंड रिलीज करने से रोक दिए। उसका रीजन ये है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो इंश्योर नहीं कर रहा है कि वो सेंटर के डायरेक्टिव को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। आप सेंटर के डायरेक्शन को फॉलो कर ही नहीं रहे थे, इसीलिए हमने पैसा देना बंद कर दिया। वही दूसरी चीज यहां पर ये लिखी गई जो आपके स्टेट गवर्नमेंट का ये है, तो स्टेट गवर्नमेंट सिंपल सी बात ये पूछी गई कि आप सेंटर के डायरेक्टिव को फॉलो क्यों नहीं कर रहे थे, इवन दो मनरेगा में सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देता है, स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा देता है, दोनों गवर्नमेंट पैसा देते हैं, लेकिन सेंटर अपना पैसा नहीं दे रहा था टू द स्टेट गवर्नमेंट। उसका रीजन क्या था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टिव को या डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा था, एंड इस बेस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा रोक दिया। तो हाई कोर्ट ने सेंटर से पूछा कि पहली बात तो ये बताओ आपने क्यों रोका, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट से पूछा कि आपने डायरेक्टिव फॉलो क्यों नहीं करे। तो दोनों को ग्रिल किया है आपके कैलकाटा हाई कोर्ट ने। लेट्स सी कि क्या क्या इसमें फर्दर एडवांसमेंट होता है ना, क्या इसमें फर्दर एडवांसमेंट होता है, देखते हैं। बाकी अभी तक देखा जाए तो कैलकाटा हाईकोर्ट तो यही बोलेगा कि पैसा आप दे दो, सेंटर को भी बोलेगा एंड इवन स्टेट को भी बोलेगा कि भैया आप दोनों के ये क्लासेस के चक्कर में ना जो लेबरर्स है, मनरेगा लेबरर्स है, जिनका पैसा ड्यू है, जिनके वेजेस ड्यूज है, उनको नहीं मिल पा रहे, और वो तो हाईकोर्ट भी नहीं आ सकते जस्टिस सीक करने के लिए। मूविंग फर्दर अगेन ऑन द स्टेट न्यूज, व्हाट हैपेंड, अपकमिंग महाराष्ट्र में कैबिनेट एक्सपेंशन पुट स्ट्रेन ऑन 50-50 फॉर्मुला। सो हुआ क्या कि अगर हम बात करें ना, महाराष्ट्र में अभी कोलिजन गवर्नमेंट है शिवसेना की, और अभी शिवसेना बात की जाए तो शिवसेना जो है ना ठाकरे की नहीं है ना, ठाकरे गवर्नमेंट की नहीं है और ठाकरे फैमिली की नहीं है। अब बिकॉज ऑफ दी अभी इसी इसी मंथ इसी सॉरी इसी ईयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोल दिया था कि भैया जो शिवसेना का पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है और शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी का जो नेम है वो आपके एकनाथ शिंदे फैक्शन को दे दिया जाएगा। तो शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी अब हो चुकी है किसकी, एकनाथ शिंदे की। और उसके बाद ऐसा नहीं है उद्धव ठाकरे ने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई, उद्धव ठाकरे ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नाम वही रखा है, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे फैक्शन, है ना। सो वो रखा है और उनका सिंबल है दैट इज आपका फ्लेमिंग टॉर्च। सो हुआ क्या कि जब, और अभी कोलिजन गवर्नमेंट है, क्योंकि कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब ऑब्वियसली बात है अलायंस है, आपका शिवसेना है एकनाथ शिंदे वाला, एकनाथ शिंदे की है शिवसेना और बीजेपी की है, जिसको लीड कर रहे हैं कौन स्टेट में, आपके देवेंद्र फडणवीस जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी है। पॉइंट ये है कि अभी मॉनसून सेशन आने वाला है, बजट सेशन तो कंप्लीट हो गया, मॉनसून सेशन आने वाला है, तो मॉनसून सेशन के पहले ना जो शिवसेना है एंड इवन बोल सकते हैं कि जो अभी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चाह रही है कि हम कैबिनेट को एक्सपेंड करें, कैबिनेट को बनाए। प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी के ना 100 MLAs है, कितने 100, शिवसेना के कितने 40 MLAs है। तो पॉइंट ये है कि एकनाथ शिंदे का ये कहना है कि अगर कैबिनेट एक्सपेंशन होगा तो 50% ऑफ दी जो मैम आपके मिनिस्टर्स बनेंगे वो शिवसेना के होंगे, 50% जो होंगे वो बीजेपी के होंगे। लेकिन बीजेपी के बहुत सारे अथॉरिटीज, बहुत सारे मिनिस्टर्स और बहुत सारे आपके एमएलएज का यही कह रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा एमएलएज हैं, वी हैव दी 100 MLAs, शिवसेना हैज दी 40 MLAs, वो हमारे 50% भी नहीं है, तो फिर हम 50-50% का फॉर्मूला क्यों अपनाएं, क्यों शिवसेना
का जो लीडर है वही चीफ मिनिस्टर रहेगा। क्यों शिवसेना के जो मिनिस्टर, क्यों आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं 50% ऑफ द मिनिस्टर शिवसेना के होंगे? या तो आप बराबरी के होते, जब बराबरी के नहीं है तो 50-50 फॉर्मूला क्यों लगाए? सिंपल सी बात ये लिखी हुई है। सो लेट्स सी, हो सकता है कि बिफोर द मॉनसून सेशन महाराष्ट्र में फिर से एक बार पॉलिटिकल रकस देखने को मिल जाए, ठीक है, पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिल जाए। मूविंग फर्दर, ओके, सो प्रो खालिस्तान स्लोगन रेज्ड ऑन ऑपरेशन ब्लू स्टार एनिवर्सरी। सो ऑपरेशन ब्लू स्टार की एनिवर्सरी थी ऑन 6 जून 2023, एंड उस इंसिडेंट में, उस इवेंट में ऑब्वियसली बात है हमने कुछ दिन पहले पढ़ा भी था कि भैया, अच्छा एक चीज और मैं अपना एक चीज करता चाहूंगा कि न्यूज़पेपर के साथ साथ आपको ये चीज बता जाऊंगा कि आपको कैसे कैसे ना रिवाइज करना है, ठीक है। अब देखो ये वाला इशू आया ना, महाराष्ट्र वाला इशू आया, अब महाराष्ट्र वाला इशू पढ़ोगे ना उसके साथ साथ एक टॉपिक रिवाइज कर लेना, दैट इज अबाउट कि सुप्रीम कोर्ट ने जो शिवसेना वाला जजमेंट दिया था, शिवसेना वाला जजमेंट दिया था। अब देखो शिवसेना वाला जजमेंट पढ़ोगे तो उसके साथ साथ एक और चीज पढ़ना स्टार्ट, एक और चीज पढ़नी पड़ेगी, दैट इज अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। सो ये इशू पढ़ना है, इशू के साथ साथ शिवसेना का जजमेंट रिवाइज करना एंड एंटी डिफेक्शन लॉ को रिवाइज करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करें तो प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स रेज्ड ऑन ऑपरेशन ब्लू स्टार एनिवर्सरी। सो अब ये वाला आ रहा है ना, तो इसके साथ आप सिंपल सा खालिस्तान, जो अपने खालिस्तान इशू पढ़ा था ना जिसका करंट कॉन्टेक्स्ट अमृतपाल से था, अमृतपाल सिंह से था, और उसी के अंडर एक और चीज आ जाती थी, दैट इज एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। तो ये ऐसे कवर हो जाएगा, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ईयर 1980। तो अब तो ये पढ़ोगे तो उसके साथ ये भी रिवाइज करना, क्या लिखा है, प्रो खालिस्तान स्लोगन रेज्ड ऑन ऑपरेशन ब्लू स्टार एनिवर्सरी। अब ये सिंपल सी बात क्या बोल रहे हैं, सिंपल सी बात ये बोल रहे हैं कि अगर हम बात करें तो अभी ऑपरेशन ब्लू स्टार की एनिवर्सरी थी ना, 39th एनिवर्सरी थी ऑन 6 जून आपका 2023 को, और इवेंट जो हुआ था ना आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट हुआ था, दैट इज ऑन ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कंक्लूड हुआ था दैट इज ऑन आपका 6 जून 1984, एंड उसमें जो खालिस्तानी मिलिटेंट्स जो थे जिन्होंने इलीगली अकाल तख्त जो कि हरमिंदर साहिब ऑल्सो फेमसली नोन एज गोल्डन टेम्पल उस पर कैप्चर कर लिया था, वहां से मिलिटेंट्स को बाहर निकाला था, है ना, बाहर निकाला था, और वही ऑपरेशन था ऑपरेशन ब्लू स्टार जिसमें आपके जनरल सिंह विंटर वाला और जो भी खालिस्तानी प्रो लीडर थे उनको, मिलिटेंट्स जो थे नॉट लीडर्स, खालिस्तानी प्रो मिलिटेंट्स जो थे उन मिलिटेंट्स को मार दिया गया, कि उनका उनको उनको मार दिया गया, ठीक है। अब तो उसी के इवेंट में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार की एनिवर्सरी थी तो प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स जो थे वो रेज हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट, आगे बढ़ो, ओके। सो ऑन द एडिटोरियल पेज, सो आज हमारे ना दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, वी हैव टू इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स। द फर्स्ट वन अबाउट द यूजफुल फर्स्ट स्टेप, इसको अपन पढ़ेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। तो अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल एडिटोरियल एंड रिपीटेटिव एडिटोरियल, क्योंकि एक ही टॉपिक पे हमने 10 बार या 12 बार हमने डिस्कस कर चुके हैं, इवन हमने पूरे डिटेल में ये चीज इशू पढ़ भी लिया है, दैट इज अबाउट मणिपुर को लेकर। सो वो चीज यूजफुल फर्स्ट स्टेप, तो यहाँ पर सिंपल सी बात बताई गई मणिपुर वायलेंस से रिलेटेड, है ना, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो यहाँ जो बात हो रही है ना दैट इज अबाउट मणिपुर को लेकर। अब ऐसा क्या एडवांसमेंट हुआ मणिपुर में, अब इसमें ना कुछ चीजें एड ऑन कर लेना, जहां पर आपने मणिपुर के नोट्स बनाए होंगे ना, सो इस मणिपुर के नोट्स या मणिपुर का इशू जहां भी आपने पढ़ा होगा उसमें ना एड ऑन करते जाना। अब एड ऑन क्या करना है, एड ऑन सिंपल सा बात यह है कि अभी रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने 3 मेंबर्स की जो पैनल है वो फॉर्म करी है, एंड ये 3 मेंबर्स जो 3 मेंबर्स की जो पैनल है वो क्या करेगी, दैट विल इन्वेस्टिगेट That will investigate into the Manipur ethnic clashes. Ethnic clashes. ठीक है, चलो Manipur ethnic clashes. तो अभी उसी चीज को लेकर अभी एडवांसमेंट, इसीलिए एडिटोरियल लिखा गया, ठीक है, क्योंकि
अभी यूनियन गवर्नमेंट ने, मतलब स्पेसिफिकली अगर हम बात करें यूनियन गवर्नमेंट में कौन, होम मिनिस्ट्री ने, होम मिनिस्ट्री ने 3 मेंबर्स की पैनल फॉर्म करी है जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा आपके मणिपुर के एथनिक वायलेंस में। अब आगे अपन पूरा समझते हैं एडिटोरियल में क्या क्या लिखा हुआ है। देखो सो वही चीज लिखी गई है, अभी यूनियन गवर्नमेंट हैज सेट अप द 3 मेंबर्स पैनल बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोव द एथनिक वायलेंस इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान गई एंड समवेयर अराउंड 35,000 लोग डिस्प्लेस हुए हैं, 35,000 डिस्प्लेस हुए हैं। और ऑथर ने बोला कि ये स्टेप लिया गया टू इन्वेस्टिगेट द मणिपुर वायलेंस और उसके लिए 3 मेंबर की पैनल फॉर्म करना, ये बहुत वेलकमिंग स्टेप है, बहुत ज्यादा वेलकमिंग स्टेप है और ये चीज होनी चाहिए। ऑथर ने खुद बोला कि देखो जरूरी है कि हम पता कर सके व्हाट आर द कॉजेस कि क्यों ये एथनिक क्लैश हुआ, कि आगे चलकर अगर ऐसे इंसिडेंट होते हैं, ऐसे स्टेप्स आते हैं तो फिर हम उनको एविएट कर सके, ठीक है। तो कॉजेस एंड हमें ये भी पता लगना है कि भाई ये वायलेंस जो इतना स्प्रेड क्यों हुआ, क्या इसमें सही में पॉलिटिक्स हुई है, अगर पॉलिटिक्स नहीं हुई तो क्या सही में मणिपुर में अभी भी एथनिक क्लैशेस देखने को मिलते हैं, अभी भी वो एथनिक एनिमिटी है कि नहीं है, ये सारी चीजें। एंड इवन ना बहुत लोगों का ये कहना है कि इंसर्जेंसी थी मणिपुर में जो देखने को मिला, दैट इज द केस ऑफ इंसर्जेंसी। तो भाई हमें ये भी पता लगेगा इंसर्जेंसी अभी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है ना। तो इसीलिए ऑथर ने इसीलिए बोला कि जो 3 मेंबर की पैनल बनी है ना, दैट्स अ वेलकमिंग स्टेप, जिससे पता लगेगा कि मणिपुर में हुआ क्या है, स्पेसिफिकली क्या रीजन था कि मणिपुर में क्लैशेस हुए, और आगे चलकर ऐसे इंसिडेंट्स, अगर ऐसे इवेंट्स होने वाले होते हैं तो हम उनको प्रिवेंट कर सके, ठीक है। तो इसीलिए वी शुड नो व्हाट द रीजन बिहाइंड, व्हाट द रियल रीजन बिहाइंड द मणिपुर वायलेंस, who ignited it, what are the main causes and how violence got spread, ठीक है, ये सारी चीज़ है। अब आगे वही बोला गया कि अगर हम सिंपल सी बात करें ना, तो अभी गवर्नमेंट जो है, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो एंड स्पेसिफिकली यूनियन गवर्नमेंट जो, वो यही चाह रही है कि जो एथनिक कम्युनिटीज है ना, एथनिक कम्युनिटीज में क्या आ जाए, रिकंसिलेशन हो जाए। क्योंकि अभी एथनिक कम्युनिटीज, ऑब्वियसली बात है, मेथी कम्युनिटी, जो अदर ट्राइबल ग्रुप्स है, जैसे कि मेजर वहां पर है कुकीज है, नागाज है, नेपालीज है, वो लोग इस चीज का बहुत ज्यादा अपोज कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में ना एनिमिटी जो है, एनिमिटी खत्म हो जाए और एक फ्रेंडली रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, ठीक है, ये चाहते हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट का मानना है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी शुड नो कि हमें फैक्ट्स पता हो, हमें रियल इवेंट्स पता हो कि हुए क्या है, ये सारी चीज है। आगे फिर यही बताया गया कि देखो ऐसा नहीं है कि अभी पूरे तरीके से मणिपुर का जो वायलेंस था इवेड हो गया, नहीं अभी इवेड नहीं हुआ। उसका रीजन ये है क्योंकि कल या परसों ने न्यूज पढ़ी थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि ओनली 18% ऑफ द लूटेड वेपन्स है ना, वो रिकवर हो पाए, सिर्फ 18%। अगर मतलब इस क्लैश में ना 100 वेपन्स, अगर इस क्लैश में 100 वेपन्स को लूट कर लिया गया तो उसमें से सिर्फ 18 वेपन्स में ना वो रिकवर हो पाए, वो रिकवर हो पाए। और अभी भी समवट अराउंड आपके 82 वेपन्स जो है ना वो भी है, ठीक है। सो 18% ऑफ द वेपन्स, 18% ऑफ द वेपन्स सिर्फ रिकवर हो पाए हैं। अगर 100 लूट हुए हैं तो 18 वेपन्स अभी रिकवर हो सकता है, रिकवर हुए हैं, और बाकी व्हाट अबाउट 82% वो अभी रिकवर नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि अभी भी लोगों के माइंड में एक फियर होगा एंड उसके साथ साथ जिन लोगों ने ये वेपन्स लूट करके रखे हुए हैं, वापस नहीं किए, उनके माइंड में भी एक चीज होगी कि ये वायलेंस आगे हो सकता है, तो फॉर देयर ओन सेफ्टी हमें ये वेपन्स रखने पड़ेंगे। अभी भी गवर्नमेंट ट्रस्ट क्रिएट नहीं कर पाई, अभी भी गवर्नमेंट एथनिक क्लैशेस जो हो रहे हैं ना मणिपुर में, एथनिक क्लैशेस हो चुके हैं, तो अब अभी भी वो सिचुएशन पूरी तरीके से इवेंट नहीं हुई। और ये ना हमें पता लगता है जब होम मिनिस्टर जो थे हमारे अमित शाह, वो विजिट पर गए, विजिट पे जाने के बाद वो बहुत सारे कम्युनिटीज के हेड से मिले, बहुत सारे जो ट्राइबल्स, एथनिक ट्राइबल्स ऑर्गेनाइजेशन है उनसे मुलाकात करी, उसके बाद उनकी उनके उनके विजिट के बाद भी वायलेंस हुआ। ये दिखा रहा है कि अभी भी एथनिक क्लैशेस होने के चांसेस है मणिपुर में। एंड फॉर दैट टू फाइंड आउट द रीजन, जो अभी 3 मेंबर्स की पैनल बनी है वो बहुत जरूरी थी, ठीक है। आगे आगे वही पूरा एक्सप्लेन किया गया कुकी और ये सारी चीजें जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो रीड इट ऑन योर ओन, है ना। चलो मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, एंड दैट इज अबाउट व्हाट, दैट इज अबाउट द सीइंग इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन थ्रू इट स्टेट्स, ठीक है। अब देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, तो ध्यान से पढ़ना, है ना, बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना एनर्जी ट्रांजिशन की, अभी हम समझते हैं एडिटोरियल लिखा क्या गया, ठीक है। सिंपल सा अगर हम बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया ने बोला है कि हम लोग ना 50% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करेंगे बाय द एंड ऑफ 2030। एंड एक चीज उन्होंने और बोली
इवन अभी पंचामृत हुए था ना मोदी जी का, पंचामृत जब था तो उन्होंने अनाउंस किया था, उसमें बोला था कि 2070 तक हम लोग नेट जीरो कार्बन इमिशन जो है वो अचीव कर लेंगे, नेट जीरो कार्बन इमिशन जो है वो हम लोग अचीव कर लेंगे, ये चीज भाई। लेकिन उस चीज के लिए हमें एनर्जी ट्रांजिशन लाना पड़ेगा। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि अभी हम बात करें ना, तो अभी हमारी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या हम सिंपल सा पॉइंट लिखे, हमारे यहाँ जो अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो प्रोड्यूस किस रिसोर्सेज से होती है? आपके कोल से। कोल क्या है? आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। उससे मीथेन निकलता है, इथेन निकलता है, आपके कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है ना? सो फॉर दैट वी हैव टू ट्रांजिट दी एनर्जी। हम एनर्जी एनर्जी में ट्रांजिशन लाने की जरूरत है, क्योंकि हम एनर्जी में ट्रांजिशन लेके नहीं आएंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, है ना? सो सिंपल सी बात यहां पर लिखी गई है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट तो लगी है, यूनियन गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने ये बोल दिया, हमने गोल सेट कर दिए, लेकिन अचीव करवाएगा कौन? गवर्नमेंट एक यूनियन गवर्नमेंट है। अब वो एक यूनियन गवर्नमेंट क्या पूरे इंडिया में ये चेंजेस लेके आ पाएगी? नहीं। उसके लिए हमें किसकी जरूरत है? स्टेट गवर्नमेंट्स की। तो ऑथर ने यहां पर सिंपल सी बात लिखी है कि हमें स्टेट की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर हमें एनर्जी में ट्रांजिशन लेके आना है। स्टेट गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। विदाउट द स्टेट गवर्नमेंट हम कुछ अचीव नहीं कर सकते। हम जो टारगेट सेट कर रखे ना, गोल सेट कर रखे हैं कि 2030 तक 50% ऑफ द एनर्जी जो है जो होगी प्रोड्यूस होगी रिन्यूएबल एनर्जी से, वो हम नहीं कर पाएंगे, अचीव ही नहीं कर पाएंगे। और जो हमने बोल रखा है कि 2070 तक हम लोग नेट जीरो कार्बन एमिशन करेंगे, वो भी अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक हमें स्टेट गवर्नमेंट का साथ नहीं होगा, स्टेट का साथ नहीं होगा। सो वी नीड कि स्टेट हमारे साथ खड़ी रहे, हमारे साथ मतलब यूनियन गवर्नमेंट के साथ खड़ी रहे, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट गोल सेट कर सकता है, लेकिन उन गोल पे काम कौन कर पाएगा? स्टेट गवर्नमेंट काम कर पाएगी, स्टेट काम कर पाएगी। ठीक है, वही देखते हैं। तो वही लिखा हुआ है, देखो अभी G20 का फोरम, अभी हमारा G20 की समिट होने वाली है ना? तो G20 की समिट अभी होने वाली है, अपकमिंग समिट, और इंडिया प्लान कर रहा है कि वो मल्टीपल एनर्जी पाथवे अप्रोच जो है वो अपनाए, जिसके चलते हमारी जो कंट्रीज की डेवलपमेंट और डाइवर्स ट्रेजेक्टरीज है, कॉन्टेक्स्ट है, वो हम अचीव कर सके। तो सिंपल सा मतलब ये है कि अभी G20 का समिट होने वाला है, अपकमिंग है ना, नवंबर में होगा, एंड इंडिया ने खुद बोला है कि वो G20 के सामने प्रपोज करेगा मल्टीपल एनर्जी पाथवे अप्रोच। मतलब एक अप्रोच नहीं करेगा, बोलेगा बहुत सारे अप्रोचेस हैं जिसके थ्रू आप ट्रांजिशन ला सकते हो एनर्जी में, जिससे हम लोग अकोमोडेट कर सकते हैं डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट को, एंड जो डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरीज है कंट्रीज की वो भी धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी। अभी है क्या प्रॉब्लम, क्या है? तो आप सिंपल सा हमें एक सिंपल सा तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि भाई इंडिया चलो कोल से प्रोड्यूस करता है एनर्जी, 50% ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस होती है कोल से, कोयला से, कोयला हटा दो, हाइड्रो हाइड्रो पावर प्लांट से प्रोड्यूस करने लगो, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, लेकिन कोल से करना सस्ता है ना? कोल से प्रोड्यूस करते ना सस्ता है, एफिशिएंट है। और तीसरी चीज, अभी हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स है नहीं इतने ज्यादा, है ना? तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? स्टेट्स की। तो वही चीज बोलिए कि हमारा नेशन इतना डाइवर्स है, वहीं सदर्न स्टेट्स में जाओगे, सदर्न स्टेट्स में आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मिलेंगे ही नहीं, उधर क्या करें, उधर तो कोल से करनी पड़ेगी। हाँ नॉर्दर्न स्टेट में मिल जाएंगे, बिल्कुल मान रहे हैं नॉर्दर्न स्टेट में मिल जाएगा। तो इसलिए डाइवर्सिटी ना, तो डाइवर्सिटी इसके लिए वो मल्टीपल अप्रोचेस अपनाएगी, एक अप्रोच नहीं अपनाएगी, ये नहीं बोलेगी कि नहीं भाई सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से होगा, नहीं, कुछ भी हो सकता है, सोलर एनर्जी भी हो सकती है, विंड एनर्जी भी हो सकती है, कोई भी एनर्जी भी हो सकती है जो कि बस रिन्यूएबल हो। ठीक है, सो उसी ने बोला कि G20 में अभी वो मल्टीपल पाथवे लाने वाला है। नेक्स्ट, अभी ऑथर ने खुद बोला कि देखो इंडिया ने ना गोल तो सेट कर दिए, इंडिया ने खुद बोला है, इंडिया ने प्लेज लिया है, क्लाइमेट प्लेज लिया है कि इंडिया 50% ऑफ द नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा बाई 2050 तक, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेगा 50% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी 2030 तक, और 2070 तक वो नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव कर लेगा। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए इंडिया को डोमेस्टिक एनर्जी टारगेट जो है वो भी अचीव करने पड़ेंगे नेशनल लेवल पर, है ना? डोमेस्टिक एनर्जी टारगेट, जब तक इंडिया डोमेस्टिक एनर्जी टारगेट को अचीव नहीं करेगा हम अपने लेवल पर, नेशनल लेवल पर, तो जो प्लेजेस हुए हैं, जो प्लेजेस दिए इंडिया ने, जो वादे किए हैं इंडिया ने 2030 और 2070 वाला, वो अचीव नहीं हो पाएगा। पहले हमें डोमेस्टिक लेवल के टारगेट अचीव करने पड़ेंगे, डोमेस्टिक लेवल टारगेट अचीव करने के लिए, सॉरी नेशनल लेवल टारगेट अचीव करने के लिए हमें एनर्जी के जो डोमेस्टिक एनर्जी के टारगेट्स हैं वो अचीव करने पड़ेंगे। ठीक है, सो आगे ये लिखा गया, तो ऑथर ने ये बोला है कि अगर देखा जाए तो इन स्टेट को, इन टारगेट्स को अगर अचीव करना है ना, नेशनल लेवल के टारगेट्स को अचीव करना है, उसके लिए हमें स्टेट लेवल पे जरूरत पड़ेगी, स्टेट लेवल पे एक्शन की जरूरत जरूरी है। स्टेट लेवल पर एक्शन नहीं होगा तो हम ये चीज अचीव नहीं कर पाएंगे। और आगे ये लिखा गया कि भाई हम कैसे
स्टेट लेवल एंगेजमेंट लेके आ सकते हैं. हाउ डू वी एंगेज विद स्टेट लेवल कंडीशंस एंड प्रायोरिटीज, है ना, ये चीज आप बताइए. तो ऑथर ने यही लिखा है कि जब हम स्टेट की बात करते हैं ना, तो स्टेट इज अ क्रिटिकल एक्टर इन द इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन, क्योंकि हमारे यहां मल्टी टेयर गवर्नेंस है एनर्जी प्रोडक्शन और यूजेस में. स्टेट स्टेट के पास एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी को लेकर वो होती है स्टेट लिस्ट में इलेक्ट्रिसिटी. सो अगर हमें नेशनल लेवल का टारगेट अचीव करना है, तो फर्स्ट वी नीड कि हम स्टेट का स्टेट जो है हमारे साथ खड़ा हो, है ना, स्टेट भी हेल्प आउट करवाए नेशनल लेवल को अचीव करने में, ठीक है. क्योंकि स्टेट की, क्योंकि अगर हम बात करते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर, तो वो मल्टी लेवल गवर्नेंस है फॉर द प्रोडक्शन एंड यूजेस को लेकर, है ना. आगे ये लिखा है कि अगर हम चाहते हैं इफेक्टिव तरीके से ट्रांजिशन आए, तो भैया जो गैप्स है ना स्टेट और सेंटर के बीच में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, एक स्टेट होगा उसके अलग विजन होंगे, अलग एम्बिशन होगा, और एक और सेंटर होगा यूनियन गवर्नमेंट, उसके अलग तरीके एम्बिशन और टारगेट होंगे. तो सिंपल सा तरीका यही है कि भैया आप एक इफेक्टिव ट्रांजिशन अगर लाना चाहते हो, तो सेंटर और स्टेट के जो एम्बिशियस और इंप्लीमेंटेशन में जो गैप्स हैं, उन गैप्स में क्या करो, आप ब्रिजिंग करो, मतलब गैप्स को फिलअप करो. जब तक आप गैप्स को फिलअप नहीं करोगे स्टेट और सेंटर के आपके एम्बिशियस प्लान्स में, स्टेट और सेंटर के आपके इंप्लीमेंटेशन में, इंप्लीमेंटेशन गैप्स में, तो फिर आप अचीव नहीं कर सकते, ठीक है. ये चीज लिखी है. लास्ट में ये लिखा है कि नेशनल एम्बिशन नीड टू फैक्टर द वेरियस इंसेंटिव स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एट द स्टेट लेवल. आगे व्हाई स्टेट मैटर, स्टेट मैटर क्यों करता है ना, स्टेट की इंपॉर्टेंस इतनी है क्यों, वही बताया गया कि देखो अभी इंडिया ने 2022 में 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो अभी अचीवमेंट और टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आई, हाँ या ना, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आई. अब लेकिन 175 गीगावाट ऑफ एनर्जी जो अपने अभी अभी अपन ने अचीव करी है, तो क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में हो गया, नहीं. आगे ये लिखा गया कि देखा जाए तो सिग्निफिकेंट पोर्शन जो हमने अचीव किया है ना, वो सिर्फ गुजरात, कर्नाटका और राजस्थान से आया है, क्योंकि उन्होंने अपने इंडिविजुअल टारगेट को अचीव किया. सो 80% ऑफ द जो आपका हमने 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट अचीव किया है ना, वो सिर्फ इन तीन स्टेट से आ रहे हैं, सिर्फ तीन स्टेट से. आगे ये लिखा गया 80% ऑफ द करंट रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ सिक्स स्टेट तक कन्फाइन है, सिक्स स्टेट तक कन्फाइन है, और वो स्टेट या तो वेस्ट में है या तो सदर्न स्टेट है, ठीक है. तो ऑथर ने खुद बोला है कि जब हम स्टेट की बात करते हैं ना, तो स्टेट के मेजर चार फंक्शन होंगे आपके एनर्जी ट्रांजिशन में. तो स्टेट मैटर फॉर फोर फंक्शन क्रिटिकल टू एनर्जी ट्रांजिशन. अगर हम चाहते हैं एनर्जी में ट्रांजिशन आए, तो स्टेट चार फंक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. कौन सा, पहला रखता है इंप्लीमेंटेशन में. ऑथर ने खुद बोला है कि गवर्नमेंट जो होती है ना, यूनियन गवर्नमेंट, या इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट ही बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट सिर्फ गोल सेट करती है, सिर्फ बताती है कि हमें ये अचीव करना है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कौन करता है, स्टेट. यही लिखा है, स्टेट एज स्पेयर ऑफ इंप्लीमेंटेशन आर क्रिटिकल टू द रियलाइजेशन ऑफ द नेशनल टारगेट. इफ यू वॉन्ट टू अचीव द नेशनल टारगेट, स्टेट को इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे ये सारे स्टेप्स, ये सारे आपके जो भी प्रोसेस है. और सेंटर क्या करता है, सेंटर में सेट गोल, सिर्फ गोल देता है, और ये बोलता है कि भैया अगर आपने कर लिया तो आपको इतनी रिबेट मिल जाएगी, अगर आपने नहीं किया तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा. सेंटर ये करता है, लेकिन इंप्लीमेंट कौन करता है, देखा जाए काम कौन करता है. जैसे इंडस्ट्रीज में देखा जाए ना, इंडस्ट्रीज में जो लेबरर्स होते हैं वही प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन पैसा तो कौन कमाता है, व्हाइट कॉलर जो पर्सन होता है, जो मैनेजर पोस्ट पे होते हैं, वो ज्यादा पैसे कमाते हैं. तो वही चीज है कि देखा जाए तो टारगेट वो सेट कर रहा है ऊपर जो मैनेजमेंट बैठा हुआ है, लेकिन मेहनत कौन कर रहा है, जो लेबर है नीचे, ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, आगे वही लिखा गया कि द रियलाइजेशन ऑफ दीज गोल्स ऑफन डिपेंड ऑन हाउ, रियलाइजेशन ऑफ दीज गोल्स ऑफन डिपेंड ऑन हाउ दे अलाइन विद स्टेट प्रायोरिटीज एंड कैपेबिलिटीज. तो वो ऑब्वियस बात है कि गोल्स को अचीव करने का रियलाइजेशन जो है ना, वो डिपेंड करता है कि भैया आपका स्टेट के अंदर क्या प्रायोरिटीज और क्या कैपेबिलिटीज है. सेकेंड जो फैक्टर है स्टेट के लिए, सेकेंड फैक्टर क्या है, इट्स अबाउट द लेगेसी इशू इन द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर. क्यों, क्योंकि देखा जाए ना इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में ना स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लॉसेज हुए हैं, है ना, और अनरिलायबल सप्लाई और सर्विस क्वालिटी आती है, और ये ना बहुत अनड्रेस्ड है, मतलब उनको एड्रेस ही नहीं किया जाता. देखा तो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बहुत सालों से, जब से भारत देश आजाद हुआ ना, तब से प्रॉब्लम आ रही है. प्रॉब्लम क्या है, आपकी वही लॉस बहुत ज्यादा होता है, अनरिलायबल सप्लाई आती है, है ना, सर्विस क्वालिटी. इवन अभी आपने देखा होगा गर्मी के सीजन में ना, इलेक्ट्रिसिटी सही से नहीं आ रही होगी, लाइट सही से नहीं आ रही होगी. तो अब ये सारी प्रॉब्लम्स को
ये सारी प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम्स का सलूशन कौन दे सकता है? सेंटर की स्टेट, स्टेट है ना, तो स्टेट की हमें यहां पर जरूरत है। ये लिखा है, दीज एम्बेडेड इन द स्टेट पॉलिटिकल इकोनॉमी मस्ट बी एड्रेस एट द स्टेट लेवल। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है आम जनता को, ये प्रॉब्लम्स को एड्रेस कौन करेगा? स्टेट करेगा, स्टेट लेवल पे होता है। तीसरा, तीसरा फैक्टर जो है वो फैक्टर क्या है? क्योंकि स्टेट की हम बात करें ना, स्टेट के पास लेबोरेटरीज हैं जहां पर पॉलिसी इनोवेशन हो सकता है और वहीं से एनर्जी में ट्रांजिशन आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि स्टेट लेवल पे पॉलिसी बनेगी, स्टेट लेवल पे पॉलिसी बनेगी और स्टेट में इंप्लीमेंट होगी ना, तो स्टेट प्रोग्रेस कर जाएगा। और ऐसे अगर सारे स्टेट्स करने लगे तो ऑटोमेटिकली हम नेशनल लेवल अचीव कर लेंगे, नेशनल टारगेट अचीव कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर गुजरात राजस्थान, तो गुजरात राजस्थान ने क्या किया? गुजरात राजस्थान ने काम किया है आपके सोलर पर। आपके महाराष्ट्र तमिलनाडु ने क्या किया? उनके एनर्जी टेक्नोलॉजी पर उन्होंने काम किया। तभी तो जाकर इन चार स्टेट्स बहुत ज्यादा आगे है ना, ये चार स्टेट आगे नहीं है आपके वेस्टर्न स्टेट जो है, गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र एंड आपका सदर्न का एक स्टेट तमिलनाडु, वो क्यों अचीव कर पा रहे रिन्यूएबल टारगेट्स? क्योंकि उन्होंने काम किया है, उन्होंने पॉलिसी फ्रेम करी है स्टेट लेवल पर, और उन पॉलिसी जब फ्रेम हो गई उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी करी है, तब जाकर अचीव कर पाए। तो यहां पर बहुत ज्यादा काम आता है। तभी तो 80% ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी जो आ रही है सिक्स स्टेट से आ रही है। अब खुद सोचो, अगर ये सिक्स स्टेट्स 30 आपके आपके 28 स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाएं और आपके जो रिमेनिंग यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी आ जाएं, तो हम क्यों नेशनल टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे? इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, जैसे ऑथर ने खुद बताया एक स्कीम के बारे में, दैट इज अबाउट पीएम कुसुम। तो ऑथर ने खुद बोला कि पीएम कुसुम का ऑप्शन जो है ना वो स्टेट में आपका सक्सेसफुल रहा, आपके एग्रीकल्चर को लेकर, एग्रीकल्चर के सोलराइजेशन को लेकर, है ना, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में पीएम कुसुम स्कीम ने बहुत ज्यादा हेल्प आउट करी कि नहीं करी? कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ठीक है एग्रीकल्चर में इलेक्ट्रिसिटी लगती है, अब इलेक्ट्रिसिटी ना आप कोल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेंगे, हम लोग सोलर एनर्जी लेंगे, सक्सेसफुल रहा। फोर्थ, फोर्थ क्या फैक्टर होता है? फोर्थ फैक्टर होता है कि स्टेट कुड ऑल्सो बी अ रोड ब्लॉक टू द नेशनल गोल्स। ऐसा नहीं है कि भैया कि स्टेट जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट आपके हमेशा जो भी काम करेगा वो नेशनल गोल को अचीव करने के लिए काम करेगा, नहीं, स्टेट्स कभी कभी ऐसे स्टेप्स भी लेगा जो कि नेशनल गोल्स के अगेंस्ट में जाएंगे। तो इसीलिए हमें सबसे पहले जो हमारे नेशनल गोल्स है ना उनको अलाइन करना पड़ेगा स्टेट प्रायोरिटीज के साथ। जब तक हम स्टेट प्रायोरिटीज के साथ नेशनल गोल्स को, नेशनल टारगेट्स को अलाइन नहीं करेंगे, तब तक हम अचीव कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्टेट फिर अड़चन डालेगा, स्टेट आपके हिंड्रेंस डालेगा, क्योंकि स्टेट को अपना प्रोग्रेस करना है और यूनियन गवर्नमेंट को अपने नेशनल टारगेट फुलफिल करने हैं, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने तो प्लेज लेके आ गए 2030 2070 वाला, उसके लिए हमें स्टेट की जरूरत है। इसलिए नेशनल लेवल को, नेशनल टारगेट्स को अलाइन करो आपके स्टेट के टारगेट्स के साथ, ठीक है, ये चीज बताई गई है। आगे फिर वही चीज एक्सप्लेन किया गया, वही चीज एक्सप्लेन की गई। अब आगे सिंपल सा पॉइंट यहां पर, जो यहां पर आगे हमें पढ़ना है, दैट इज अबाउट यहां से, सो स्टेट आर द इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट टू एंगेज विद पॉलिसी, पॉलिसी विजन, प्लान्स एंड एक्शन, ये लिखा हुआ है। ये जब हम स्टेट की बात करते हैं है ना, तो स्टेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट्स है जिसे हम उनके पॉलिसी विजन प्लान्स और एक्शंस में एंगेज कर सकते हैं। एंड सेंटर को मैंडेट करना चाहिए कि वो स्टेट के एक्शन प्लान जो है, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, उनके उनके रिकमेंडेशंस को लें और स्टेट लेवल पर आपकी कमिटी सेटअप करें फॉर द एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर, और सेंट्रल और स्टेट के जो एनर्जी मिनिस्टर्स हैं वो रेगुलर वे पर मीट करते रहें। अगर रेगुलर वे पर मीट नहीं करेंगे तो हमारे टारगेट्स को अचीव नहीं किया जा सकता, अलाइंड रहेंगे। तो वही चीज लिखा हुआ है कि स्टेट आर इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट टू एंगेज विद पॉलिसीज, है ना, और सेंटर को मैंडेट करना चाहिए कि वो स्टेट के एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज उसको अपडेट करता रहे। एंड उसके साथ साथ ये भी बोला गया कि भाई स्टेट लेवल पर आपकी कमिटी सेटअप होनी चाहिए फॉर द एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, एंड सेंटर और स्टेट के जो एनर्जी मिनिस्टर्स हैं वो आपके रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए, उनकी रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए जिससे स्टेट को इंपॉर्टेंस लगेगी। स्टेट को अगर इंपॉर्टेंस लगेगी तो स्टेट एनर्जी फिर सेंटर की मदद करता रहेगा, सेंटर की हेल्प आउट करता रहेगा, ठीक है। आगे स्टेट लेवल फ्रेमवर्क, तो आगे ये लिखा गया है कि अगर हम चाहते हैं कि ये चीज सक्सेसफुल हो, फॉर दैट वी हैव टू मेक द स्टेट लेवल फ्रेमवर्क। हमें स्टेट लेवल फ्रेमवर्क की जरूरत है जिससे उस फ्रेमवर्क से हम लोग प्लान्स, एक्शन और गवर्नेंस प्रोसेस जो होते हैं ना आपके एनर्जी ट्रांजिशन में वो ला सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट लेवल फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो फ्रेमवर्क इज नेसेसरी, फ्रेमवर्क इज नेसेसरी एट द स्टेट लेवल टू अंडरस्टैंड द प्लान्स, एक्शंस एंड गवर्नेंस प्रोसेस टुवर्ड द एनर्जी ट्रांजिशन। अब उसके लिए हम क्या क्या करना चाहिए? पहली चीज हमें क्या करनी है, फर्स्ट थिंग ये लिखा हुआ है, इट हेल्प टू ब्रॉडन द ट्रांजिशन डिस्कोर्स फ्रॉम नैरो सेट ऑफ आउटकम्स एंड टू इंक्लूड द प्रोसेसेस दैट शेप द आउटकम्स। तो यहाँ पर सिंपल सी बात लिखी गई कि हमारे जो ट्रांजिशन चाहते हैं ना, ट्रांजिशन, उन ट्रांजिशन को ब्रॉडन करना पड़ेगा क्योंकि हमने नैरो सेट ऑफ आउटकम्स निकाल के रखे हुए हैं। होता क्या है कि हम ट्रांजिशन लाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं,
लेकिन हमारा जो आउटकम आता है ना बहुत कम आता है। ऑथर का वही कहना है कि सबसे पहले ऐसा फ्रेमवर्क बनाओ कि हमें प्लान्स एग्जीक्यूट करे और हमें ब्रॉड इन रिजल्ट मिले, हमें ब्रॉड इन ट्रांजिशन देखने को मिले, है ना, हमें ब्रॉड इन आपका आउटकम देखने को मिले, ठीक है। ऐसा ऐसा प्लान बनाइए, और वो प्लान तभी बन पाएगा जब हमारे पास प्रॉपर रोड मैप है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो। जब तक स्ट्रेटेजी नहीं होगी तब तक आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, कर तो लोगे लेकिन उतना अचीव नहीं कर पाओगे जितनी आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट थिंग, सेकेंड चीज हमें क्या करनी है, सेकेंड चीज इज कि वी नीड अ ट्रांसपेरेंसी। जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी ना, जितने भी स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेटेड है एनर्जी ट्रांजिशन में, तब तक आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। भाई लिखा हुआ है, इट लीड टू द ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी विच कुड इनेबल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स इन द प्रोसेस, इंश्योर पब्लिक लेजिटिमेसी एंड बाय इन टू कॉम्प्लेक्स डिसीजन, ठीक है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड। अब देखो यहां पर ना बात हो रही है, व्हाई इज देयर ट्रबल इन कॉसोव अगेन। अब ना ये थोड़ा इंटरनेशनल न्यूज है, बट इसमें क्या इंडिया रिलेटेड है? नहीं, और ये यूरोप की एक रीजनल न्यूज है जहां पर हमें एक थोड़ा सा क्लैशेस देखने को मिल रहा है, इसलिए हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इशू मैं समझा देता हूँ, इशू है क्या, ठीक है। देखो यूगोस्लाविया, अगर आपको याद हो जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, उसके बाद उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, तो कोल्ड वॉर के समय ना हमारी दुनिया जो थी ना वो दो पार्ट में डिवाइड हुई, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और सेकंड वर्ल्ड कंट्री। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कौन थी? यूएस और यूएस के अलाइड नेशन। सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज कौन थी? आपकी यूएसएसआर, यूएसएसआर की अलाइड नेशन। और इंडिया ने एक अलग थर्ड वर्ल्ड कंट्री बनाई, दैट इज कॉल्ड नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे? एक तो इंडिया था, इंडिया के साथ साथ आपके इजिप्ट भी था, इजिप्ट के साथ साथ एक और नेशन था जो कि अब हम नाम नहीं सुनते उसका, दैट इज अबाउट यूगोस्लाविया। कौन? यूगोस्लाविया। अब वही चीज यहां पर बताई जा रही है कि देखो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो, और यूगोस्लाविया जो है ना बाल्कन रीजन है, उसको बाल्कन रीजन बोलते हैं, यूरोप का वो बाल्कन रीजन है जहां पर अब यूगोस्लाविया बचा नहीं, यूगोस्लाविया डिसइंटीग्रेट हो गया, बहुत सारे कंट्रीज बन गई, एक सर्बिया बन गया, एक चेक रिपब्लिक बन गया। अब पॉइंट ये है कि एक और रीजन है, दैट इज कॉल्ड आपका कॉसोव, कॉस्वो, ठीक है, कॉस्वो। अब कॉस्वो जो है ना, कॉस्वो अपने आप को बोलता है कि वी आर द सॉवरेन नेशन, वी आर द इंडिपेंडेंट नेशन। प्रॉब्लम ये है कि सर्बिया जो नेशन है जिससे ये ब्रोक आउट हुआ, है ना, जिससे ये ब्रोक आउट हुआ सर्बिया नेशन से, ये जो कॉस्वो आपका नेशन ब्रोक आउट हुआ, उसको सर्बिया नेशन रिकॉग्नाइज करता ही नहीं है, उसको सॉवरेन नेशन मानता ही नहीं है, बोलता है कि ये हमारा इंटरगल पार्ट है, इसलिए ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है, ठीक है। तो वही चीज, तो वही बोला गया, क्लासेस ब्रोक आउट हो गए थे, वो भी 29 मई को क्लासेस अराइज हुए थे, और बिकॉज ऑफ दी क्लासेस, आपके क्लासेस बिटवीन व्हाट, बिटवीन सर्ब्स प्रोटेस्टिंग इन दी नॉर्थ कॉसोव एंड नेटोलेट कॉसोव फोर्सेस, यहाँ पर जिसके समवट अराउंड कितने 30 नेटो सोल्जर्स और 15 आपके साइबेरियन सोल्जर्स क्या हुए, इंजर्ड हुए। हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कहानी समझो, कहानी क्या चल रही है बस। नेक्स्ट वन, ऑन द नेशनल न्यूज़, व्हाट हैपेंड, हेक्टिक प्रिपरेशंस ऑन फॉर पीएम यूएस विजिट। हम यूएस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ना आपके जैक सुलेवन, उन्होंने मुलाकात करी इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से। क्यों? क्योंकि ना देखा जाए ना, तो अभी इस मंथ, जून के मंथ में, वो भी लास्ट या थर्ड थर्ड वीक या फोर्थ वीक ऑफ जून में ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो यूएस की विजिट पर जाएंगे, और वाशिंगटन, न्यूयॉर्क जाने वाले हैं, दो जगह जाने वाले हैं। और ऐसा वेलकम लेने वाले अगर कोई इंडियन है, दैट इज अ ही इज ही विल बी द थर्ड इंडियन। पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरे थे आपके मनमोहन सिंह, तीसरे मोदी जी हैं। तो वही चीज बताई जा रही है कि भाई हेक्टिक प्रिपरेशन है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री यूएस की विजिट पर जा रहे हैं, मतलब इतनी इंपॉर्टेंस रखता है, अब यूएस भी रखता है कि भाई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, सो मेक श्योर कि प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नाइस, चलो मूविंग फर्दर। सो मणिपुर गवर्नमेंट येट टू टेक स्टैंड ऑन एडिंग मेथीज ऑन एसटी लिस्ट। सो अभी मणिपुर गवर्नमेंट को, अभी ऑब्वियसली बात है, जहां पर मणिपुर हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि मैथी कम्युनिटीज के साथ बैठिए, एसटी के लिस्ट में एड ऑन करिए, उसी के चलते वॉलेंस क्लैश हुए, लेकिन अभी तक मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट जो है मैथी कम्युनिटी के साथ बैठी नहीं कि उन्हें स्टेट एसटी लिस्ट में एड ऑन करना है कि नहीं करना है, बैठी नहीं है, वही लिखा हुआ है कि मणिपुर गवर्नमेंट को ना स्टैंड लेना है ना। अभी उन्होंने स्टैंड नहीं लिया कि भाई मैथी को एसटी लिस्ट में डालना है कि नहीं डालना है, अभी तक गवर्नमेंट, किसी मणिपुर गवर्नमेंट ने स्टेप नहीं लिया, कोई स्टेप नहीं लिया। मूविंग फॉरवर्ड, ओके, सो सबमरीन डील कैन बी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, से जर्मन मिनिस्टर। सो इंडिया और जर्मनी जो है वो आपके सिक्स इंडिया जर्मनी जो है उन दोनों के बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट होने वाला है, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, एंड इट्स अबाउट के
जर्मनी से इंडिया जो है वो 6 एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स खरीदेगा, ठीक है। और वो कहाँ जाएंगी, किसके पास जाएंगी, आपके इंडियन नेवी के पास। वो प्रोजेक्ट क्या है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, दैट इज आपका प्रोजेक्ट 751। तो प्रोजेक्ट 751 के अंडर इंडियन नेवी जो है वो जर्मनी से आपके 6 एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स खरीदने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। सो मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई है, आपके यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई, एंड रिपोर्ट में यही बताया गया कि इंडिया में टोटल 766 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 766 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और आउट ऑफ 766 डिस्ट्रिक्ट्स, 508 डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो आपके फ्री हो चुके हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग से, ठीक है। तो ये लिखा है 508 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री आर फ्री ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। दैट्स व्हाट सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री हैज स्टेटेड, ठीक है। ये चीज क्लियरली बोल दिया। नेक्स्ट वन। सो डॉक्टर मस्ट स्ट्रिक्टली कंप्लाई विथ लॉ ऑन रिपोर्टिंग पॉक्सो ऑफेंसेस, कर्नाटका हाई कोर्ट। सो यहीं पर बताया गया कि हुआ क्या, कि कर्नाटका हाई कोर्ट में सिंपल सी बात बताई गई कि अगर कोई ऑफेंस रिपोर्ट होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के अंदर, देन जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर को जितने भी कंप्लाइंस है, स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस है, स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फेल होते हो ऑफेंडर, अगर आप फेल होते हो और ऑफेंडर ने वो ऑफेंस कमिट किया है और अराइज हो रहा है कि भाई कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी थी या रेप था या सेक्सुअल अब्यूज था, देन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डॉक्टर की है। तो डॉक्टर हैज टू मेक श्योर कि पॉक्सो के जितने भी केसेस आ रहे हैं उसमें प्रॉपर तरीके से वो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करे, प्रॉपर तरीके से मेडिकल प्रूफ करे, प्रॉपर तरीके से जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट करे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, मोदी स्कूल टू बी डेवलप्ड एट मॉडल इंस्टीट्यूशन। सो मोदी स्कूल मतलब एक स्कूल खुला हुआ है हमारे देश के प्रधानमंत्री जहां से आते हैं, मोदी नरेंद्र मोदी फर्स्ट स्कूल इन दी होम टाउन, आपका उनका जो वार्ड नगर है ना, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में वो पहली बार डेवलप किया गया। और उसका जो स्कूल का नाम रखा गया ना, मॉडल स्कूल का नाम रखा गया, दैट इज प्रेरणा, प्रेरणा रखा गया, जिससे हम यूथ को इंस्पायर कर सकें, कि यूथ को इंस्पायर कर सके और ये बोल सके यूथ इज द कैटलिस्ट ऑफ आर नेशन। बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं यूथ हमारे, ठीक है। तो वही चीज बताई जा रही है, तो वही चीज बोला गया कि मोदी स्कूल शुड बी डेवलप्ड एज अ मॉडल स्कूल। मोदी स्कूल एक मॉडल स्कूल के लिए डेवलप किया जाएगा, उस लाइन पर सारे गवर्नमेंट स्कूल चलने चाहिए, क्योंकि हमारे देश में गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन ना बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। तो उस चीज को अगर हमें सुधारना है, स्पेसिफिकली प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, उस चीज को हमें सुधारना है, तो फर्स्ट वी हैव टू सेट अप दी स्कूल जो कि एक मॉडल स्कूल की तरह वर्क करे, जो कि मोदी जी वाला स्कूल कर रहे हैं, करेगा, कर नहीं रहा, करेगा। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड न्यूज। सो व्हाट हैपेंड, चाइना रशिया कंडक्ट एयर पेट्रोल ओवर सी ऑफ जापान, ईस्ट चाइना सी। सो अभी जी बताया गया कि चाइना और रशिया जो है वो एयर पेट्रोल किया है उन्होंने। एयर पेट्रोलिंग का मतलब होता है कि एयर पेट्रोलिंग मतलब होती है जैसे कि यार कभी रात में देखा है, रात में ना पुलिस आती है 12-1-2 बजे सायरन बजाती हुई निकल जाती है, तो वो पेट्रोलिंग करती है, वो देखती है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सब जगह सही है या नहीं है ना। तो वही चीज यहाँ बताई गई कि चाइना रशिया कंडक्ट एयर पेट्रोल ओवर सी ऑफ जापान एंड ईस्ट चाइना सी। तो चाइना और रशिया ने क्या किया, पेट्रोलिंग करी है, एयर पेट्रोलिंग करी है, एयर सर्विलेंस किया है, कहाँ पर, आपके सी ऑफ जापान और ईस्ट चाइना सी पर, ठीक है। तो जो आसपास के नेशंस है उनको ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। चलो सो इंडिया भी इसमें कहीं ना कहीं बोलेगा, यूएस भी बोलेगा और जापान तो बोलेगा बोलेगा। चलो सो दिस इज द एनालिसिस। यस, सो बहुत दिनों से अपने डाउट्स नहीं हुए थे, जो भी तुम लोग के डाउट्स हैं अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हो। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दी टूडेज न्यूज पेपर या फिर अबाउट योर प्रिपरेशन, वो आप लिख सकते हो इन योर चैट चैट बॉक्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। सर ब्रिज भूषण केस में सेक्शन 34 कैसे एप्लीकेबल होगा, बिकॉज इज अ कॉमन इंटेंशन, क्योंकि अकेले ब्रिज भूषण सरन सिंह नहीं है, और भी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अथॉरिटीज है ना और कोचेज हैं, वो भी इन्वॉल्व थे सेक्सुअल हरासमेंट में। सर मेगा फेस्टा का क्विज कब है, सिमरन मेगा फेस्टा इज ऑन 9th of June, 9th of June। सिक्स मंथ की प्रिपरेशन टिप बता दो,
यार देखो, क्लाइंट ना तीन चीजें मांगता है, क्लाइंट तीन चीजें मांगता है। पहली चीज है रिवीजन, दूसरी चीज है आपकी प्रैक्टिस, और तीसरी चीज है जो भी आप नया पढ़ता जा रहे हो, मतलब न्यू थिंग्स यू स्टडी, जिसको हम लोग सेल्फ स्टडी के नाम पे भी बोलते हैं ना सेल्फ स्टडी। ये सारी चीजें, ये तीन चीजें करनी है बस, रिविजन, प्रैक्टिस, न्यू थिंग्स। और करने का एक तरीका भी होता है, रिविजन जो होता है ना सुबह होता है, मॉर्निंग। प्रैक्टिस जो होती है ना वो आपकी होती है आफ्टरनून में, क्योंकि हमारा जो पेपर होता है ना वो पेपर आफ्टरनून का ही है। सो आफ्टरनून, एंड जो न्यू थिंग्स हमें पढ़ना होता है, सेल्फ स्टडी जो हमें करनी होती है, यू कैन डू इन इवनिंग, या फिर आपको अगर सुबह टाइम मिल रहा है सुबह टाइम कर लो, ठीक है, जो भी आपका सेल्फ स्टडी का है। सो इट कैन बी इवनिंग और इट कैन बी आपका जो नाइट है, रात में कर सकते हो। अब करने का तरीका है रिविजन, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन रिटेन नहीं करते, हम लोग रिवाइज नहीं करते। तो सबसे पहली चीज, रिवाइज करो, 1.5-2 घंटे फिक्स रखो अपने रिविजन को लेकर। इसमें 1 घंटा तो मैं करंट अफेयर्स को देना है, क्योंकि करंट अफेयर्स रिविजन ही मांग रहा है, कुछ नहीं मांग रहा है, रिटेंशन ही मांग रहा है। और बाकी तुमने अदर सब्जेक्ट जो पढ़ रखे हैं, लीगल के, तुम्हारे सीआर के टिप्स एंड ट्रिक्स, तुमने इंग्लिश का पढ़ रखा है, क्वांट के जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज करो, रोज डेली करना है प्रैक्टिस। मैं बोल रहा हूं एक सेक्शन उठाओ, एक सेक्शन की प्रैक्टिस करो एक दिन। तो जीके की प्रैक्टिस नहीं करनी होती, जीके पढ़ना होता है ना, लेकिन बाकी चार सब्जेक्ट है वो तो प्रैक्टिस मांग रहे हैं ना। तो अगर आप एक दिन एक सेक्शन का प्रैक्टिस कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, लीगल के 8 पेजेस लगाते हो, क्योंकि भाई आता है क्लाइंट में 8 पेजेस आते हैं, सीआर के 6 पेजेस सॉल्व कर रहे हो, दूसरे दिन, तीसरे दिन आप डी 3 DI सॉल्व कर रहे हो मैथ्स के, और आपके जो इंग्लिश है, इंग्लिश के अगर आप 5 या 6 RC सॉल्व कर रहे हो, उसमें टोन्स भी समझते जा रहे हो, वोकैबुलरी भी करते जा रहे हो, ये चीज मांग रही है प्रैक्टिस। देन सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी करना है, क्लास में जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज करो, जो आपका क्या बोलते हैं, आपको खुद से पढ़ना है, कोई नया टॉपिक पढ़ना है खुद से पढ़ो, खत्म। इतना मांग रहे, नहीं पढ़ने, 12-13 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं होती, 6 to 7 hours इज मोर देन सफिशियंट है। बट बी कंसिस्टेंट, ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया दूसरे दिन पढ़ ही नहीं रहे, बी कंसिस्टेंट। चलो और कुछ सर, करंट अफेयर्स के नोट्स किस टाइप के बनाने हैं उसका कुछ सजेशन दे दो। आकांक्षा, आई होप आई हैव मेड अ वीडियो हाउ टू मेक नोट्स एंड हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर एंड हाउ टू मेक नोट्स, जस्ट गो एंड वॉच। ओके, बाकी मैं खुद लिंक शेयर कर दूंगा आपके उस पर। चलो, सो वी एंड दी सेशन हियर, है ना, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे, बाय बाय गाइस।